आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, फिजिक्स और और का का। सफाया। बस अपने क्वेश्चन क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा है आज का एक आकृति में यानी ये नीचे दी गई आकृति है एक, ये हमें A, B, C, D, एक समांतर ठीक है जहां पर ए ही लंब है डीसी पर तथा सी एफ लंब है ए डी पर यदि ए बी हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर तथा ए ई दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर तथा सी एफ दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर तो ए डी याद कीजिए ठीक है दोस्तों तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की बराबर बराबर होती होती है, भुजा होती है, है ठीक दोस्तों तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी ए बी बराबर है सी डी के ए बी बराबर है सी डी के और एबी का हमें मान दे रखा है तो ये हो गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर यानी ये हमारे दे रखा है 16 सेंटीमीटर तो ये भी हमारे पास हो गया पूरा 16 सेंटीमीटर ठीक है दोस्तों अब आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा जो हमारा आधार है आधार गुणा जो हमें लंब खींचा है ठीक है दोस्तों तो आधार गुणा जो हमारे समांतर चतुर्भुज है उसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा लंब है ए ई -E. ठीक है दोस्तों तो इसे हम ए -E लिख दीजिए और इसका आधार हो गया हमारे पास सी डी ठीक है दोस्तों सी डी इंटू ए ई अब आपको पता है कि जो हमारा ये त्र... ये ए बी सी डी है उसका उसका उसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी डी इंटू ए e, बराबर है किसके ए डी इंटू सी एफ ए डी सी एफ ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे लिखा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ठीक है तो ए बी सी डी ठीक है तो ये इसका क्षेत्रफल हमने निकाला था उसी प्रकार जैसे सी डी इंटू ए आधार इंटू जो उस पर लंब होता है उसी प्रकार इस तरीके से इस वाले पे भी हमारा सी एफ लंब है तो हमने लिख दिया ए डी इंटू बराबर हो जाएगा ए डी जैसे हमने ये लिखा था जैसे मैं आपको अलग बना के बता देता हूँ ये दोनों का आधार सेम है यहाँ पर ठीक है जैसे ए बी और सी डी यहाँ पे इसका लंब इस पर है यह कितना है ई तो हमने लिखा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा जो आधार है वो सी डी गुणा और जो हमें ये क्रॉस पॉन्ड इसके जो अनुसार जो लंब डाला है उसको उसका गुणा तो हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसी प्रकार हमने इस वाले एक और चतुर्भुज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस पर एक और लंब डाला गया है ठीक है तो एक और लंब कौन सा डाला गया है कि ऐसे करके यहाँ से तो ए बी सी और डी ठीक है तो ये हो गया एफ तो इसको हम इसको लिख सकते हैं ए की आधार पर है आधार ही इसका क्या हो जाएगा ए डी टू जो हमारे लम्ब डाला है कितना सी एफ तो इसलिए हमने ये वाली समीकरण लिखी ठीक है अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए समीकरण एक में सी डी का मान हमें प, पता ही है हमारे 16 सेंटीमीटर आया था इंटू ए ई का मान भी हमें पता ही है ए ई का मान हमें दे रखा है देखिए ए ई का मान दे रखा है आठ सेंटीमीटर तो आठ लिख दीजिएगा बराबर ए डी का हमें मान निकालना है इंटू सी एफ सी एफ का मान भी हमें दे रखा है दस सेंटीमीटर ठीक है तो हम दस सेंटीमीटर लिख देते हैं तो डी का मान हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं सोलह इंटू आठ बटे दस तो ए डी का मान आ जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बारह पॉइंट आठ सेंटीमीटर बस हमें यही निकालना था ठीक है दोस्तों तो आपको कभी भी समांतर चतुर्भुज में अगर लंब है दिया हो ऐ डी ए ई अपन डी सी तो उसको हम बराबर करके हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आधार एन जो उस पर लंब डाला गया है जिस आधार पर उस पर ठीक है दोस्तों थैंक यू ट्वेल्थ से 12 नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर